आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव 7। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से आ रही है। आपको बता दें कि बिहार में जीत के बाद भी 27 विधायकों की मुश्किलें जो हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही। नए साल में उनकी एमएलए की कुर्सी जो है वो छिन सकती है। 4 जनवरी को इन विधायकों पर कोर्ट में सुनवाई होनी है। तो जीत के बाद भी इनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। और इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे पटना के स्थानीय संपादक एसके राजीव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके राजीव, जीत के बाद भी 27 विधायक मुश्किल में। देखिए कृति, इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है जो बिहार की सियासत को आप एक तरीके से कह सकते हैं कि हिलाकर रख देगी। दरअसल में 27 विधायकों के खिलाफ, जो 27 विधायक अभी जदयू और भाजपा के सिटिंग एमएलए हैं, इनके खिलाफ महागठबंधन ने, यानी कि आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी जो प्रत्याशी हार चुके हैं, उन्होंने विधिवत कोर्ट में एक एफिडेविट दायर की थी। और ये कहा जाता है कि अगर आप हारने के 45 दिनों के भीतर आप अगर मुकदमा दायर करते हैं तो उस मुकदमे की सुनवाई होती है। लिहाजा 4 जनवरी को, चूंकि हाईकोर्ट खुल रहा है नए साल में, और उसके बाद विधिवत हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। और उसमें 27 विधायकों पर, जिसमें की सबसे कम जो है वो नालंदा के हिलसा की सीट है, जहां पर की मात्र 12 वोट से आरजेडी के शक्ति सिंह यादव जो है वो चुनाव हारे थे, तो उन्होंने एक मुकदमा दर्ज कराया था। इसके अलावा कुल 26 और विधायकों पर मामला दर्ज कराया गया है कि इन लोगों को फर्जी 12 करके जिताया गया। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि चुनाव आयोग को इसमें पक्ष बनाया गया है। तो पूरे मामले की सुनवाई जो है वो 4 तारीख से शुरू होगी और मुझे लगता है कि नए साल में 27 विधायक की कुर्सी हो सकता है कि खतरे में पड़ जाए। हालांकि ये कहना भी थोड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि कोर्ट में जो प्रोसेस होता है इस तरह के मामलों की, आपको ही पता होगा, उसमें काफी लंबा वक्त लगता है। लेकिन ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि चुनाव आयोग को पक्षकार बनाया गया है, यानी कि जो हारे हुए प्रत्याशी हैं वो किसी विधायक या फिर सरकार को कटघरे में नहीं खड़े कर रहे हैं, बल्कि चुनाव आयोग पर सीधे तरीके। लेकिन कहीं ना कहीं ये बिहार की राजनीति के लिए अच्छी खबर नहीं है। नहीं देखिए, अच्छी खबर ही सिर्फ नहीं है, आप अंदाजा लगाइए कि वाकई में अगर 27 विधायकों के खिलाफ जिस तरीके से मामला दर्ज कराया गया है, उसमें से अगर 10 या 12 विधायकों की भी विधायकी अगर चली जाती है तो सरकार सीधे तौर पर अल्पमत में चली जाएगी और बिहार सरकार जो है वो गिरने का, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वो डर अभी से ही सताने लगा होगा। बल्कि आप ये कह सकते हैं, क्योंकि हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है और 4 तारीख पर सुनवाई होनी है, तो बिहार की राजनीति के लिए, खास करके जो सत्ता पक्ष है उसके लिए निश्चित तौर पर ये। जब से नीतीश कुमार कुर्सी पर काबिज हुए हैं तब से ही उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। कुर्सी छिनने का खतरा पल पल उनके ऊपर मंडरा रहा है। और कहीं ना कहीं महागठबंधन की अगर बात करें तो अभी तक उन्होंने हार नहीं मानी है, कहीं ना कहीं उन्हें अभी भी उम्मीद है और उस उम्मीद में वो कामयाब होते भी दिख रहे हैं। नहीं देखिए, आज से कुछ दिन पहले, मुझे लग रहा है कि 3-4 दिन पहले, जब तेजस्वी यादव पटना में पीसी किए थे तो उन्होंने कहा था कि 2020 भले ही नीतीश कुमार का हो, लेकिन 2021 जो है वो हमारा होगा और 2021 में हम सरकार विधिवत फॉर्म करेंगे। हालांकि जब उनसे पत्रकारों ने पूछा था कि भाई आपके ये कहने का आधार क्या है, तो उन्होंने कहा था कि जब वक्त आएगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि महागठबंधन अभी भी इस जुगात में लगा हुआ है किसी भी तरीके से इस सरकार को अस्थिर किया जाए और उसके बाद फिर से उनकी सरकार जो है वो बिहार में आ सके। और मुझे लग रहा है जिस तरीके से अभी ये खबर तुरंत आई है, और ये एक्सक्लूसिव खबर है, मुझे लग रहा है कि किसी के पास अभी ये खबर नहीं आई है, जिस तरीके से इन लोगों ने कोर्ट में मामला दर्ज किया और 4 तारीख इस पर सुनवाई होने वाली है।